अगर एक भी कस्टमर है तो, एक भी स्टूडेंट है तो, पर बंदा मुझे छोड़कर जा रहा है, कह रहे कि मैं भाई नेता जी पहले देख लो ये मेरा कंटेंट चुराने वाला देखो नेताओं की ड्रेस है, हम केवल स्टूडेंटों के लिए जा रहे हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। ज्ञापन देने डीएम को, विनय भैया हमारे साथ में, इन्हें मैं ले लेता हूँ अपने साथ, क्योंकि स्मार्ट स्मार्ट लड़के थे, जैसे मैं खुद चलो मिलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से ज्ञापन देता हूँ। चलो ठीक है भाई। ट्रैफिक कितना हो गया ना, कंपनी बाप का चौराया है, कैमरे भी लग चुके हैं यहाँ पे देखो ऊपर। ये आ गया मेरिट कॉलेज, और मेरिट कॉलेज के सामने है ये चौधरी चरण सिंह पार्क, वही लगा दो गाड़ी के पास, आगे लगा दो। आगे हमारे मिलेंगे आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष। हमारे अध्यक्ष साहब हैं सर, नमस्कार सर, नमस्कार कैसे सर, नमस्कार क्या हाल है भाई, नमस्कार सर, नमस्ते यार, मलिक साहब हमारे। तो आज ज्ञापन है, 8 दर्जन ही जाएंगे हमारे डीएम साहब से मिलने के लिए, और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। जिनके साथ प्रोग्राम में करता रहता हूँ सोशल वर्क भी, उसके लिए मुझे आम आदमी पार्टी अच्छी लगी तो उनको मैंने ज्वाइन करा। चलिए मिलते फिर। अपन है जिसको जो पढ़ना है आप देख लीजिए, प्रॉपर लिखा हुआ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पैनिक मामले में जांच के संदर्भ में। जब जाते हैं हम डीएम साहब के पास, सारी टीम जो है हमारी, हम जा रहे हैं ज्ञापन देने के लिए। ज़्यादा लोग नहीं बुलाए थे, गिने चुने लोग ही बुलाए थे हमने। अब नोटों की कोई दिक्कत नहीं, और पीछे मेरे आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, पहले लड़े गोरों से अब लड़ेंगे चोरों से। गांधी से पहले की शांति है भैया, धोखाधड़ी कर दी हमारी भर्ती में भाई, मैं ही कह रहा हूँ जब आओगे आराम से, कोई दिन के लिए खड़े हो आराम से दे देंगे, बोल दो भाई ये तो सामने देंगे कौन बैठा है सब। जो भर्ती वाला मामला है इसमें हमारी मांग रहती है 1 महीने में इसको दोबारा से निरस्त हो गई, लेकिन इस पर जो दोषी कार्रवाई और 1 महीने में ये हो जाए। एक आपका वो बहुत बढ़िया रहा,
कि बैठा के दोनों को, अखबार में भी आई, लोगों ने भी सराहना की जेल भेजना एक जो है काली विकल्प ये नहीं है, अब उनको वही बैठा के यही बैठो तो एक कम से कम एक मैसेज आता है। वो हम लोगों ने जो अभी पुलिस की भर्ती हुई थी उसमें जो पेपर लीक हुआ उसके संदर्भ में दिया, वो परीक्षा तो निरस्त हो गई, और निरस्त कब हुई जब बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया, बेरोजगारी चरम पे 50 लाख बच्चों ने आवेदन किया था। उस दिन का आप अगर मंजर देखोगे तो आप बड़ा ताज्जुब करोगे, प्रदर्शन हुआ, वो बच्चे लखनऊ में उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनको लाठियाँ मिली, इलाहाबाद में उन्होंने बड़े प्रदर्शन किए, जो मेरठ जिले में तमाम जगह हुआ, तो वो पर्चा कैंसिल हो गया वो पेपर। तो अब हमारी मांग ये है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जिन लोगों ने पेपर आउट में जो लोग संलिप्त थे, एक महीने के अंदर उनकी परीक्षा, और भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो, इस पर सरकार काम करे। तो 3-4 मांगों को लेकर हमने राज्यपाल महोदय को ये ज्ञापन प्रेषित किया जिलाधिकारी के माध्यम से, तो बाकी आने वाले समय में फिर और एक्टिविटी हम सब लोग करेंगे। आज आप सब लोग आए उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि आज प्रतिनिधिमंडल गया था इसलिए हम लोगों ने और तमाम साथी गए। चलो भैया ज्ञापन दे दिया, अब चल रहे हैं घर की तरफ। चलो भैया चश्मा भी देखते हैं जरा कि चश्मा हमारे हिसाब किताब का आया नहीं आया। ये हमारे चश्मे वाले भैया इधर आ जाओ, तुम्हारे कस्टमर लाए हूँ, आ जाओ। ये भैया हमारे हैं चश्मा, हम इनसे लेते हैं, खो जाए तो गम नहीं, सोने से गम नहीं। भैया चश्मा दिखाना, बोले भैया पकड़ना जरा, ना ना ये लाइट शेड चाहिए, लाइट शेड एक मिनट आपके साथ होगा ना, लाल कलर के लिए खत्म हो गया, अब लाइट शेड चल रहा है भैया आपका सही है, लेकिन अब घर भी आ गए लाइट शेड हमारे पास इतना होती है घर में लिया था अब क्या डेली डेली यूज के लिए ना। अब क्या डेली यूज के लिए वाले चश्मे ठीक है, लेकिन अब वैसे लोग तो बहुत महंगे पड़ते हैं, हम जो जाते रहते हैं टूट जाएगा कुछ हो जाएगा, और इन तो घर रखता है लेकिन मैं ले लेता हूँ, कॉपी है चश्मों की रेबैन की, लेकिन ठीक है अच्छे रेट है उनके पास। चलो फिर कभी देखते हैं, चलो आज मिला नहीं भाई, वाह दिखाने जरा जरा, ओह वेरी गुड, तू तो पहले स्मार्ट है इतना, मेरी तरह जैसे मैं हूँ स्मार्ट। और क्या लोग 99 में पास के पास। चलो जी आ गए हैं सोशल वर्क करके, अब जिनके पास दोबारा धन्यवाद आपका बहुत बहुत सोशल वर्क कर रहा हमने आज, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक है। ये आ गए हम अपने घर, जब भी मेरे घर में आना होता था सबसे पहले हमारी पैगी खुश होती मुझे देखकर, बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करिए।